हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे पांच बड़े प्लेयर्स के बारे में जिनको हम सब समझते थे कि वो बहुत बड़ी बड़ी प्राइस पे जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और इन पांचों प्लेयर्स को काफी इंटेलिजेंट बॉय में शामिल किया इनकी फ्रेंचाइज ने। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जेसन रॉय का, जो कि गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के अंदर सिर्फ 1.5 करोड़ की उनकी बेस प्राइस के ऊपर। सबने उम्मीद करी थी कि जेसन रॉय काफी बड़ी इनामी राशि जुटा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। और जेसन रॉय सिर्फ प्राइस के बिके 1.5 करोड़ की, तो दिल्ली के पास एक काफी बड़ा प्लेयर आ गया सिर्फ 1.5 करोड़ की प्राइस जेसन रॉय के रूप में। अगला नाम आता है इस लिस्ट के अंदर क्रिस वोक्स का। क्रिस वोक्स को भी दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, वो भी 1.5 करोड़ के अंदर ही। क्रिस वोक्स को भी 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा, काफी अच्छी बात होने वाली है। दिल्ली को एक और बार बहुत जबरदस्त प्लेयर मिला क्रिस वोक्स के अंदर, और क्रिस वोक्स 1.5 करोड़ की प्राइस मनी में बिक पाए। तीसरा ऐसा नाम आता है क्रिस लिन का। क्रिस लिन से भी बहुत उम्मीद थी। क्रिस लिन T20 के सुपरस्टार प्लेयर हैं। पहले वो 9.5 करोड़ में कोलकाता से थे, पर इस बार उनको वापस से खरीदा मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी बेस प्राइस के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ के अंदर खरीद लिया। मुंबई इंडियंस सबसे पहले प्लेयर आते क्रिस लिन, और क्रिस लिन बगे 2 करोड़ की बेस प्राइस उनको खरीदा मुंबई इंडियंस की टीम में। ये तीन प्लेयर के बाद चौथे नंबर के ऊपर नाम आता है डेविड मिलर का। डेविड मिलर एक और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, सब जानते हैं। उनको खरीदा राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 75 लाख की कीमत पर। जी हाँ, सिर्फ 75 लाख की कीमत के ऊपर बिके डेविड मिलर बेस प्राइस के ऊपर। मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा स्टील है राजस्थान रॉयल्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स को काफी बढ़िया प्लेयर मिल चुका है 75 लाख के अंदर वापस से, उनसे बहुत उम्मीद करी राजस्थान की टीम 75 लाख के ऊपर काफी अच्छा खेल के दे सकते हैं राजस्थान की टीम को। और इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है जिमी नीशम का, जिनको खरीदा है किंग्स इलेवन पंजाब ने सिर्फ 50 लाख की कीमत के ऊपर। जी हाँ, जिमी नीशम जैसा प्लेयर अगर 50 लाख मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिमी नीशम को एक बहुत ही जबरदस्त प्राइस में खरीद लिया है किंग्स इलेवन पंजाब ने। तो ये पांच ऐसे प्लेयर थे, इनसे बहुत उम्मीद करी जा रही थी, पर ये काफी सस्ते सस्ते बिक गए। और इन पांच भी तो खरीदा दिल्ली कैपिटल्स, तो दिल्ली कैपिटल्स को काफी बड़े बड़े नाम मिल चुके हैं काफी सस्ती कीमत के ऊपर। और राजस्थान रॉयल्स को भी अच्छा प्लेयर मिला डेविड मिलर के रूप में सिर्फ 75 लाख। आप मुझे कमेंट में बताओ कि और ऐसे कौन से प्लेयर जो आपको लगा कि वो महंगी प्राइस डिजर्व करते पर बहुत सस्ते बिक गए, मुझे जरूर से बताओ कमेंट करके। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।